हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो घर में हम पाइनएप्पल लाते हैं उसको कैसे कट करें कि वो कम से कम वेस्ट हो, आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल जैम बना सकते हैं, पाइनएप्पल का केक बना सकते हैं, पाइनएप्पल स्लाइसेस रेडी कर सकते हैं, पुडिंग बना सकते हैं। आजकल पाइनएप्पल काफी सस्ते दाम पर मिल जाता है। अगर आप टिंड या कैन वाला पाइनएप्पल यूज करते हैं तो वो काफी महंगा पड़ता है। तो ये पाइनएप्पल कट करने का इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक तेज सा चाकू चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ये जो टॉप है इसको कट कर देंगे। ये देखिए, आप देखेंगे ये पाइनएप्पल के कलर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पका हुआ है या नहीं। अगर ये ज्यादा ग्रीन है तो ये पका हुआ नहीं है, कच्चा निकलेगा। ये देखिए, नीचे की तरफ से भी कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से पाइनएप्पल को कट कर लिया है। अब हम इसका छिलका निकालेंगे। उसके लिए आप पाइनएप्पल को इस तरह खड़ा करके बस इस तरह से इसका पतली लेयर निकालें छिलके की। ये देखिए, बस इतना कट करना है कि इसकी जो आईज हैं बस वो दिखने लगे। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ साइड से दिखाती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि हमें किस तरह इसको कट करना है। ये देखिए, बस ये सिर्फ आईज दिखने लगे, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप ये आईज को भी निकाल देंगे छिलके के साथ तो ये पाइनएप्पल का पल्प जो है वो बहुत कम रह जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से पील कर लिया है। तो इस पाइनएप्पल की आईज निकालने के लिए आप नोटिस करेंगे कि ये इस पैटर्न में है, साइड्स में इस तरह से आईज हैं। तो हम करेंगे क्या कि इसको, इस नाइफ को हम इस तरह से इन आईज को निकाल देंगे। ये देखिए, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ ये पैटर्न बीच से शुरू किया है, आप चाहें तो ऊपर या नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम ये सारी आईज निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से काफी कम पाइनएप्पल वेस्ट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये निकाला है इसकी आईज को। तो ये देखिए, जब हम ये आईज निकालेंगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न आएगा। तो ये देखिए, हमने इसकी सारी आईज निकाल दी हैं, हर तरफ से इसे क्लीन कर दिया है। आप भी सोचेंगे कि मैं क्यों शेयर कर रही हूँ पाइनएप्पल काटने का तरीका। एक तो इससे वेस्टेज नहीं होती और दूसरा इससे जो वेस्ट निकलेगा इससे भी हम रेसिपी बनाएंगे। तो इसको हम पहले एक बाउल में निकाल लेंगे अलग से। तो आइए जल्दी से इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। अपनी मर्जी के अनुसार आप स्लाइसेस थिक या पतले जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स की तरह के इसके स्लाइसेस कट होते हैं। तो ये देखिए, कितने सुंदर स्लाइसेस कट हुए हैं पाइनएप्पल के, कितने बढ़िया और प्यारे दिख रहे हैं। और आप इनको शुगर कोट कर सकते हैं, ग्रिल करके खा सकते हैं, कैरमलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर बहुत ही बढ़िया पाइनएप्पल के पीसेस रेडी कर सकते हैं। और ये फ्रेश हैं, बिल्कुल टिंड में नहीं है। तो टिंड और कैन पाइनएप्पल में काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बट आप फ्रेश इस तरह से घर पर कट कर सकते हैं। तो अब हम यूज करेंगे ये वेस्ट पाइनएप्पल जो कि हमने अभी निकाला है। बट इसे यूज करने से पहले मैं इसे फ्रिज में इस एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी ताकि जब भी मुझे कुछ बनाना होगा तो मैं इससे पाइनएप्पल निकालूंगी और उसको यूज कर लूंगी। आप अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 1 से 2 दिन तक ही रख सकते हैं, और अगर आप फ्रीजर में स्टोर कर रहे हैं तो आप इसे ज्यादा टाइम तक फ्रीज कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लंबा टाइम तक इसे स्टोर करना है तो इसे शुगर में कुक करने के बाद स्टोर करें, उससे ये खराब नहीं होते। तो ये देखिए, मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। तो इस पाइनएप्पल के वेस्ट को यूज करने के लिए हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे अच्छे से हम। तो ये देखिए, यहाँ पर है पाइनएप्पल का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर अभी 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला था, अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल करके इसको एक बार और चला लूंगी। तो यहाँ पर रेडी है हमारा पाइनएप्पल का पेस्ट। इससे हम पाइनएप्पल जैम रेडी कर सकते हैं या फिर जेल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइनएप्पल जेल बनाऊंगी जो कि केक को सजाने के लिए यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम पाइनएप्पल को छान लेंगे। ये देखिए, बेसिकली हम पाइनएप्पल का जूस इकट्ठा कर रहे हैं इससे। तो ये देखिए, पाइनएप्पल का जूस हमें मिल गया है। और यहाँ पर ये है वेस्ट, अब इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं।
इसमें आपको नजर आएंगी पाइनएप्पल के वो जो कांटे होते हैं आईज में, तो इनको हम फेंक देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो ये लगभग एक कप के करीब पाइनएप्पल जूस मिला है, बिल्कुल फ्रेश पाइनएप्पल जूस है। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर है। अब मैं इसमें एक कप चीनी डाल दूंगी। चीनी को हम घुलने देंगे लो फ्लेम पर, अगर हमें जरूरत लगी तो थोड़ी सी चीनी और ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया, बट अभी भी इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप पाइनएप्पल जेल ना बनाना चाहें तो आप इससे कोई शरबत बना सकते हैं पाइनएप्पल का, या फिर पाइनएप्पल लेमनेड बना सकते हैं। अभी हम इसको एक बार पकाने के बाद फिर से छानेंगे, ताकि अगर कोई बारीक इसमें पाइनएप्पल की आइस का बारीक कुछ रह गया हो तो वो भी बिल्कुल क्लियर निकल करके आए जेल जो है हमारा। तो चीनी घुल चुकी है, अब हम इसे बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए जैसे ही ये कुक हो जाएगा ये बीच से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और साइड्स में इस तरह से झाग सी इकट्ठी हो जाएगी, इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए इस झाग को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाती है ये। अब ये पाइनएप्पल सिरप रेडी है, इसको हम दोनों चीज़ों के लिए रेडी करेंगे। मैं आपको शरबत भी बना करके दिखाऊंगी और इससे पाइनएप्पल ग्लेज जो होता है केक के लिए वो भी बना करके दिखाऊंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक पिंच के करीब येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ब्राइट आ जाए इसमें कलर। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें से थोड़ा सा सिरप छान करके निकाल लूँगी, ताकि मैं उससे आपको शरबत बना करके दिखा सकूँ। देखिए इसको हम छान लेंगे, बस उतना ही निकाल रही हूँ जितना कि दो ग्लास मैं यहाँ इससे बना पाऊँ। तो हम इसे अलग रख देंगे। तो ये बाकी का जो सिरप है इसमें डालेंगे, इसमें आधा कप पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा पतला करना है, हम इसे कॉर्नफ्लावर की हेल्प से गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून पानी और इसमें आधा टेबल स्पून के करीब हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और इस मिक्सचर को हम स्लोली इसमें ऐड करेंगे। देखिए धीरे धीरे हम इसे इसमें मिला देंगे और गैस का फ्लेम बढ़ा देंगे, ताकि इसमें जल्दी से एक बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल होगा ये गाढ़ा हो जाएगा और हम इसे केक के लिए पाइपिंग जेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए अभी पाइपिंग जेल पतला लग रहा है, तो इसमें मैं आधा टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ऐड कर रही हूँ और इसको फिर से एक बॉयल लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1 टेबलस्पून जो कॉर्नफ्लावर है वो ऐड किया है इसको गाढ़ा करने के लिए। तो इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि कॉर्नफ्लावर अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए 1 मिनट पकने के बाद मैं यहाँ गैस बंद कर दूंगी और ये केक के लिए पाइपिंग जेल रेडी है। आप इसी तरह से पाइनएप्पल क्रश भी बना सकते हैं थोड़ा गाढ़ा बना करके। तो इसको चेक करने का तरीका है कि गर्म में ही हम इसे स्पैचुला पर या चम्मच की बैक पर लें और उसके बाद हम इस पर एक इस तरह से, ये देखिए लाइन बन रही है, इसका मतलब ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो ये बिल्कुल रेडी है, हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 वीक तक के लिए, 1 हफ्ते तक की बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप कभी भी केक बनाए उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको शरबत बना करके दिखाती हूँ, इतने ही ठंडा हो जाएगा, इसको हम स्टोर करेंगे उसके बाद। तो मैं इसके लगभग हाफ हाफ यानी कि 2-2 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी। इसमें बिल्कुल सफिशियंट क्वान्टिटी में है शुगर जो है, तो हम इसमें आइस डाल देंगे। तो साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पल्प वाला शरबत रेडी है। आप इसमें पल्प देख सकते हैं कि पाइनएप्पल पल्प किस तरह से दिख रहा है, ये देखिए, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। और हमने ये उससे बनाया है जो कि आमतौर पर लोग फेंक देते हैं, तो ये पाइनएप्पल वेस्ट से बना है एक तरह से। और रेडी है पाइनएप्पल का शरबत, वो भी बिल्कुल टेस्टी पल्प वाला शरबत। आप इसमें लेमन ऐड करेंगे तो ये पाइनएप्पल लेमनेड बन जाएगी। तो आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो हमने जेल बनाया है उसको देख लेंगे। तो ठंडा होने के बाद जेल कितना गाढ़ा हो गया है आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से कोट कर रहा है। तो ये केक्स और पेस्ट्रीज को कोट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं और इसे थोड़ा और गाढ़ा बना सकते हैं, बट मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसी जेल से पाइनएप्पल केक बनाना भी बताऊंगी। तो ये देखिए इसको हम स्टोर कर लेंगे इस तरह की बॉटल में डाल करके, और आप इसे सिर्फ 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है इसलिए 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे ज्यादा टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड ना करें,
जस्ट इसको शुगर की हेल्प से थोड़ा थिक पाइनएप्पल पल्प से बनाए। इसको हम क्लोज करके रख देंगे। आप इसी तरह पाइनएप्पल को कट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उससे बचे वेस्ट से इस तरह से पाइनएप्पल का सिरप और पाइनएप्पल जेल या पाइनएप्पल जैम कुछ भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय द रेसिपीज़। अगर इनमें से कुछ भी ट्राई करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं और वहाँ पर पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं ताकि मैं स्टोरीज में आपके द्वारा बनाई गई रेसिपीज़ के पिक्स शेयर करूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।